हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग गुड विद सैम। करेला शब्द सुन के मुंह एकदम कड़वा हो जाता है, पर घबराइए मत। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ ये मेरे मॉम के स्पेशल कुकिंग सीक्रेट में से एक है। कच्चे आम के भरवा करेले जो कि मीठे होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं। और ये फ्रूट, जी हाँ ये फ्रूट कहलाया जाता है, ये वेजिटेबल नहीं है। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये भरपूर है एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए करेलों को हमने एक रात पहले नमक में अच्छी तरीके से लगा के मॉर्निंग में इसको वॉश कर लिया है, स्क्वीज कर लिया है और इसके सारे बीज जो हैं वो हमने रिमूव कर लिए हैं। करेलों को नमक लगा के इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी कड़वाहट जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। इसकी फिलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने कच्चा आम ले लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। इसको एक ग्राइंडर जार में हम मिक्सर के डाल देंगे। और ये सौंफ है, ये भी ग्राइंड करेंगे हम। इस तरीके से हमने पीस लिया है ये सौंफ के। इसमें कुछ सौंफ के पीसेस आपको दिखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसी तरीके से हमें चाहिए हैं। करेलों की फिलिंग बनाने के लिए ये दो रफली चॉप्ड प्याज लिए हमने। ये आम और सौंफ का पेस्ट जो हमने बनाया था ये डाल देंगे अब इसमें। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई प्रेफर यूजिंग माई हैंड, आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, बट हैंड से क्या होता है अच्छी तरीके से मसाला जो है प्याज के साथ मिक्स हो जाता है। हाथ से मिक्स करने से प्याज का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा टेंडर भी हो जाता है, आपको फील होने लगेगा वाइल मिक्सिंग। ये बैटर हमारा फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करेला भरने के बाद हम धागा ले लेंगे कोई भी थ्रेड, इससे हम करेलों को बांधेंगे ताकि जो मसाला हमारी फिलिंग है अंदर वो फ्राई करते में बाहर ना निकले। तो ये करेला ले लेंगे इस तरीके से, इसमें अपनी फिलिंग को भर देंगे हम। अब करेला हमने फिल कर लिया है, अब धागे की मदद से इसको इस तरीके से हम बांध लेंगे ताकि फिलिंग हमारी इंटैक्ट रहे वाइल फ्राइंग। एक पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है, अब हम अपने करेले डाल देंगे इसमें। हमने सारे करेले अपने पैन में डाल दिए, अब इनको लो और मीडियम फ्लेम पे हमको पकाना है और लाइट ब्राउन होने पे ही इनको फ्लिप करना है। करेले हमारे हाफ फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम जो हमारी बची हुई फिलिंग थी वो स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक ये पूरे पक नहीं जाते। कच्चे आम वाले भरवा करेले बिल्कुल तैयार हैं। इसको अपने फेवरेट पराठों के साथ आप खा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी।